लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। इस पूजा में सादगी है, इस पूजा में पवित्रता है। खास बात यह है इस पूजा की, इस पूजा में ना ही मंदिर की जरूरत होती है, ना ही पंडित की जरूरत होती है और ना ही पुरोहित की जरूरत होती है। यही खास बात है छठ पूजा में। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री है और सूर्यदेव की बहन है छठी मैया। अगर हम बात करें तो महाभारत काल में भी जो पांडव की पत्नी द्रौपदी के द्वारा भी भगवान सूर्य यानी भगवान भास्कर को अर्घ देने का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें तो एक बार की बात है, आपको बता दें कि पांडव जब पांडव जुए में हार गए तब जाकर उनकी सारी जो संपत्ति है, उनकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं खो गई थी। लेकिन जब द्रौपदी पांडव की पत्नी द्रौपदी ने जब भगवान सूर्य की उपासना की, छठी मैया की उपासना की, तब जाके उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा जो है वापस मिल गई। केलवा के पात पर उगम लन सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया हम उनका लागी। पद्मभूषण शारदा सिन्हा का जब गाना चारों ओर गूंज उठता है, इस छठ पूजा में जब चारों ओर गूंज उठता है तो मानो ऐसा लगता है कि हमारे रोम रोम में खुशी की लहर उत्पन्न हो गई हो। हमारे अंदर वो भावनाएं जाग जाती है, वो उत्साह, वो खुशी जो छठ पूजा को लेकर जो चारों ओर गूंजता है वो खास हमें दिखता है और हमें महसूस भी होता है। नहाए और खाए के साथ शुरू होता है छठ पूजा का पहला दिन। व्रतधारी हैं वो स्नान करते हैं, उसके बाद जो भोजन है उसका पालन किया जाता है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन जो व्रतधारी हैं शाम के समय लोगों के आसपास जो लोग हैं उसको निमंत्रण देके और घर के पास बुलाया जाता है और जो प्रसाद है उसको लोगों के बीच बांटा जाता है और इसको खरना भी कहा जाता है। तो दूसरे दिन छठ पूजा को खरना कहा जाता है। रोटी और खीर के साथ खरना की शुभकामनाएं। नमस्ते, आज छठ का दूसरा दिन यानी खरना पूजन है। आज तो हम सभी के घर में मानो उत्सव का माहौल होता है। सुबह सुबह उठ के केले के पत्ते ढूंढना, लोगों के घर घर जाके शाम के प्रसाद का इनविटेशन देना और फिर शाम को दोस्त यार परिवार सब मिल के प्रसाद खाते हैं। इससे पहले जो व्रतधारी होते हैं वो सुबह से शाम तक उपवास पे होते हैं। शाम का प्रसाद बनने के बाद जो कि होता है खीर, गुड़ की रोटी और साथ में एक केला, जब व्रतधारी वो प्रसाद खा लेते हैं उसके बाद परिवार के बाकी सदस्य खाते हैं। आज का खरना का प्रसाद खाने के बाद व्रतधारी आज शाम से लेके परसों की सुबह तक उपवास पे होते हैं। इसीलिए तो छठ को विश्व का सबसे कठिन व्रत कहा जाता है। छठी मैया उनके सारे व्रतधारियों को ये व्रत पार लगाने की शक्ति दे। जय छठी मैया। और अगर हम बात करें तो तीसरे दिन की बात करें तो तीसरा दिन जो होता है छठ पूजा का, उस दिन डूबते सूरज को भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को, डूबते सूरज को जो व्रतधारी है वो अर्घ देते हैं। तो ये होता है तीसरे दिन की बात करें। और चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन जो सुबह सुबह का जो वक्त रहता है वो उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। जी हाँ, उगते सूरज भगवान भास्कर, भगवान सूर्य को, उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो ऐसा होता है छठ का त्यौहार और छठ की जो परंपरा है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और यही माना जाता है कि जो छठ पूजा है वो कितना लोकप्रिय है, बिहार में ही नहीं, यूपी में ही नहीं, देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बेहद ही लोकप्रिय माना जाता है ये छठ पर्व का त्यौहार। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ पूजा बेहद ही लोकप्रिय हो चुका है। चारों ओर छठ की गीत की गूंज सुनाई दे रही है और इससे जो छठ व्रती महिला है या फिर पुरुष है उनका जो उत्साह है वो बढ़ता ही जा रहा है।